वल्चर्स यानी कि गिद्ध, ये इकलौती ऐसी प्रजाति है जो पूरी तरह खत्म होने वाली है। ये गिद्ध इतनी तेजी से खत्म होना शुरू हुए कि 1980s की शुरुआत में साउथ एशिया के अंदर इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन 40 मिलियन हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 19,000 वल्चर्स ही मौजूद हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखो, 1980s के दौरान, 1990s के दौरान एंड इवन उसके बाद भी गायों, भैंसों और दूसरे पशुओं के इलाज के लिए एक डाइक्लोफेनिक नाम का वेटनरी ड्रग यूज किया जाता था। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग होता यह था कि डाइक्लोफेनिक के डोज लेने वाले किसी पशु के मरने के बाद जब कोई गिद्ध उस पशु के मांस को खाता था तो इस ड्रग की वजह से उस गिद्ध के शरीर के अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता था कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही किडनी फेलियर की वजह से उस गिद्ध की मौत हो जाती थी। इनफैक्ट जब ये बात पता चली तो 2006 में इंडिया के अंदर वेटनरी ड्रग के तौर पर डाइक्लोफेनिक को बैन कर दिया गया, जिसके बाद दूसरी कंट्रीज ने भी ये सेम एक्शन लिया। लेकिन शायद ये एक्शन लेने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई, क्योंकि इस एक ड्रग ने 99.95% वल्चर्स की पॉपुलेशन को साफ कर दिया।